खमन ढोकले के लिए आपको एक कटोरी बेसन लेना है, हाफ कटोरी सूजी लेना है, एक चम्मच नमक डालिए और एक कटोरी मही डालकर इसका बैटर बना लीजिए। बैटर अगर गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। ढोकले का बैटर बनाने के लिए आप क्वांटिटी 1.5 का रेशो ही रखना है। अगर आपने बेसन एक कटोरी लिया है तो सूजी आपको हाफ कटोरी लेना है, अगर आपने बेसन दो कटोरी लिया है तो सूजी आपको एक कटोरी लेना है। इसी रेशो में आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बैटर में गठाने ना रह जाएं, उसे आप अच्छी तरह से मिला के 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। अब 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हाफ टेबल स्पून हल्दी, लाल मिर्च बहुत कम क्वांटिटी में डाला है, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्च दो कटी हुई, थोड़ा सा धनिया कटा हुआ डाला है, अदरक किसके डाला है। अब इसे आप अच्छी तरह से मिला लीजिए। ईनो आपको लास्ट में डालना है, मैंने एक पैकेट ईनो लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लीजिए, आपको मिलाना एक ही रोटेशन में है। ढोकले इडली वाले सांचे में स्टीम कर रही हूँ, मैंने पहले ही 2 ग्लास पानी चढ़ा दिया था। मैंने सांचों को पहले ही ऑयल लगा के रख लिया था, अब जल्दी ही इसमें बैटर डाल के स्टीम होने के लिए रख देना है। अब आप इसे 15 मिनट के लिए ढक के स्टीम होने दीजिए, आपको फ्लेम मीडियम रखनी है। 15 मिनट बाद आपको गैस बंद कर देनी है। ढोकलों को 2-3 मिनट ठंडा होने दीजिए, जब तक हम बघार तैयार कर लेते हैं। आपको कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल लेना है, इसमें आपको 1 टेबल स्पून राई डालना है। कटा हुआ हरा मिर्च और कुछ पीस कड़ी पत्ता डालना है। सभी चीज़ें भून जाएं तो आपको इसमें 1 गिलास पानी डालना है, 1 टेबल स्पून शक्कर और 1/2 टेबल स्पून नमक डालना है। आप ज़्यादा खट्टापन चाहते हैं तो आप इसमें 1/2 नींबू निचोड़ दीजिए और 1 उबाल आने के बाद फिर गैस बंद कर दीजिए। ढोकलों के ऊपर पानी का बघार डालने से वो काफ़ी स्पंजी और सॉफ्ट हो जाते हैं। अब सांचे से ढोकलों को निकाल लेते हैं। 2-3 मिनट ठंडा होने के बाद ये आसानी से चम्मच की सहायता से आप निकाल लीजिए। ढोकले काफ़ी स्पंजी और सॉफ्ट बने हैं। अब आप इसमें अच्छी तरह से बघार डाल दीजिए। बघार का पानी सूखने के बाद ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, आप इन्हें ऐसे ही सर्व करें या पीसेस में काट लें। हरी चटनी और नारियल की चटनी के साथ सर्व करें। लीजिए, हेल्दी और टेस्टी ढोकले तैयार हैं।